5 अक्टूबर को सीएम गहलोत के गृह जिले में गरजेंगे पीएम मोदी। जोधपुर में मोदी करेंगे बड़ी जनसभा। इससे पहले मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के सांवलिया में करेंगे हुक्का। सीएम गहलोत का सीकर दौरा आज दोपहर 3 बजे। जयपुर से सीकर के लिए होंगे रवाना। सांगलिया धूनी के करेंगे दर्शन। शाम 5 बजे लौटेंगे जयपुर। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण आज। सीएम गहलोत दिलाएंगे कार्यकारिणी को शपथ। कार्यक्रम में मुख्य सचिव उषा शर्मा भी रहेंगी मौजूद। सीएम गहलोत ने ली ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए सुचारू विद्युत आपूर्ति के निर्देश। खराब ट्रांसफार्मर्स को समय पर बदलने के लिए दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा कुनबा। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की हुई घर वापसी। श्रवण चौधरी और भागचंद काटना ने भी थामा बीजेपी का दम। सीएम गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे। गोटपुतली के काटुवास में मंत्री टीकाराम जूली के पिता लेखाराम ठेकेदार और माताजी विमला देवी की मूर्ति का किया अनावरण। डीडवाना पहुंचे सीएम गहलोत। खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। सीएम अशोक गहलोत ने किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमाधारकों को वितरित किए चेक। बीमाधारकों के परिजनों को सौंपे 10-10 लाख रुपए के चेक। बीमाधारकों के खिले चेहरे। आज से शुरू पितृपक्ष। पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के प्रमुख दिन। पितरों के मोक्ष के लिए किए जाते हैं श्राद्ध और तर्पण। विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हुई आरएलपी। सालासर में सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे हनुमान बेनीवाल। प्रदेश भर में निकालेंगे सत्ता संकल्प यात्रा। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कई योजनाओं का किया लोकार्पण। जयपुर में नवनिर्मित कंवर नगर डिग्री कॉलेज का उद्घाटन। जोरावर सिंह गेट से जल महल तक हेरिटेज स्ट्रीट लाइट। अग्निशमन केंद्र हवा महल जोन का किया लोकार्पण। CGST और कस्टम के में फिर बड़े फेरबदल। देश के 147 प्रधान आयुक्तों का तबादला और पद स्थापन आदेश जारी। पदोन्नति के बाद 89 आयुक्तों को दी सौंपी जिम्मेदारी। पशु चिकित्सकों की हड़ताल खत्म। कल से काम पर लौटेंगे पशु चिकित्सक। NPA की मांग पूरी। पशु चिकित्सकों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। हनुमानगढ़ में ग्राम पंचायतों के सरपंच ने कलेक्टर से की मुलाकात। पिछले दिनों पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच ग्रामीणों के चर्च का भुगतान करवाने की मांग को लेकर की मुलाकात। मानसूर के ग्राम पंचायत हरसोरा में उप जिला तहसील भवन और करीब 4.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। मंत्री शकुंतला रावत ने किया शुभारंभ। ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। अजीतगढ़ के दौरे पर रहे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सूर्यपीठ सुराणी धाम में महायज्ञ की ध्वज स्थापना में की शिरकत। 15 से 23 अक्टूबर को 1008 चतुर्दशक परायण महायज्ञ का होगा आयोजन। खाजूवाला में मंत्री गोविंद राम का वीडियो वायरल। घर पर मिलने पहुंचे कार्यकर्ताओं से बोले मंत्री। कहा, मुझसे नाराज हो तो बीजेपी को डाल देना वोट। खाजूवाला व छतरगढ़ को बीकानेर जिले में रखने की मांग करने गए थे कार्यकर्ता। सिकराय के कई कार्यक्रमों में मंत्री ममता भूपेश ने की शिरकत। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता राजस्थान में डाले हुए हैं डेरा, लेकिन उनके दौरे भी नहीं आ पाएंगे काम। दौसा में पूर्व विधायक स्वर्गीय मूलचंद मीणा की मूर्ति का अनावरण। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने किया अनावरण। छतरी वाली ढाणी स्कूल के नवनिर्मित 5 स्कूल की कक्षों का भी किया लोकार्पण। दौसा में परिवहन मंत्री ओला ने नवनिर्मित बस स्टैंड का किया लोकार्पण। नगरपालिका के ईओ और अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ MOU साइन होने के बाद शुरू किया जाएगा संचालन। झुंझुनू के चिड़ावा में खेल स्टेडियम और PWD XCN कार्यालय का शिलान्यास। पिलानी विधायक JP चंदेलिया रहे मुख्य अतिथि। पिलानी विधायक ने की पत्रकारों से बातचीत। झुंझुनू के बिसाओ में 30 सितंबर को सीएम गहलोत का दौरा प्रस्तावित। दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। कलेक्टर और SP ने लिया तैयारियों का जायजा। हेलीपैड का किया निरीक्षण।
जयपुर खोले गए हनुमान जी में कर पाएंगे रोपवे की सवारी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शहरवासियों को किया समर्पित। वैष्णो देवी मंदिर तक जाना होगा आसान। धार्मिक टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। अजमेर में धोखाधड़ी से 1.5 करोड़ में कृषि भूमि का बेचान प्रकरण। पुलिस ने 30 आरोपी को कोर्ट में किया पेश। मृत्यु के 13 वर्ष बाद धोखाधड़ी से हुआ बेचान। पीएम मोदी की पत्नी जशोदा बेन के अलवर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। पांडुपोल में हनुमान जी के लिए किए दर्शन। कई पदाधिकारी रहे मौजूद। कोटा में मंत्री धारीवाल ने अखाड़ों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अखाड़ों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा। बालिका और महिला अखाड़े का कर्तव्य देखकर हुए प्रभावित। कई पदाधिकारी रहे मौजूद। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में घुसी बाइक। हादसे में एक ही मौके पर हुई मौत, एक हुआ गंभीर घायल। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस की 16 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुभाषिनी यादव उदयपुर में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूजा त्रिपाठी जोधपुर में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी जगह कांग्रेस की महिला नेता करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रीमाधोपुर में रेलगाड़ी के टैंकर में हुआ लीकेज। टैंकर से निकल रहा है ज्वलनशील पदार्थ। रेलवे के अधिकारी जानकारी देने से बचते आए नजर। टैंकर के लीकेज को किया गया बंद। अलवर के तिजारा में विरोध प्रदर्शन। पुरुषोत्तम सैनी की गिरफ्तारी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बाजार रहा बंद। ब्यावर में ई रिक्शा में चार्जिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। ई रिक्शा सहित पास खड़ी 3 बाइक भी जली। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। डूंगरपुर के लोड़ावल गांव में गणेश विसर्जन के दौरान व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। अन्य युवाओं ने ग्रामीणों को दी सूचना। नदी में से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाते समय हुआ हादसा। कांग्रेस लोकसभा पर्यवेक्षक अमृत ठाकुर का नवलगढ़ में भव्य स्वागत। नगरपालिका में नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने किया 1-to-1 संवाद। नवलगढ़ सीट को लेकर लिया फीडबैक। बाड़ी के सेपो रोड पर किराने की दुकान पर झगड़े और मारपीट का मामला। उधारी के पैसे मांगने को लेकर हुई मारपीट। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जोधपुर में निर्माणाधीन मकान की बालकनी गिरी। चलते कार्य के दौरान गिरी बालकनी। बालकनी गिरने से मजदूर की मौत। मोर्चरी में एकत्रित हुए मजदूर के परिजन मुआवजे की कर रहे हैं मांग। कोटा के टावर में नजर आई सामाजिक सौहार्द की झलक। मुस्लिम समाज की ओर से निकाला गया जुलूस। जैन समाज की ओर से भगवान आदिनाथ का जुलूस निकाला गया। भीनमाल में भील समाज का संभागीय स्तरीय महासम्मेलन। संत महात्माओं समेत समाज के अधिकारियों ने हजारों की संख्या में लिया भाग। कई वक्ताओं ने किया संबोधन। अजमेर के जवान रंगमंच पर शुक्रवार को होगा वंश लेखकों का सम्मेलन। सम्मेलन में बताई जाएगी रामकथा के जरिए देश की गौरव गाथा। वंश लेखकों का किया जाएगा सम्मान। सवाईमाधोपुर में वेटरनरी डॉक्टर्स ने वापस ली हड़ताल। जयपुर में सीएम गहलोत के आश्वासन के बाद वापस ली हड़ताल। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से कर रहे थे हड़ताल। शाहपुरा के कोठड़ी में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। चैनपुरा बनास नदी में बहे 4 युवक। 3 युवकों को निकाला बाहर। 1 युवक लापता। जैसलमेर के भणियाणा में जालोड़ा पोकरण गांव में लगी भीषण आग। 1 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली आग। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। भरतपुर में छत से गिरा पुलिसकर्मी। अस्पताल ले जाने पर किया मृत घोषित। 4 दिन पहले ही पहाड़ी थाने में किया था ज्वाइन। परिजनों ने थाने पर किया हंगामा। हत्या का लगाया आरोप। खाडूश्याम जी में कचरे के ढेर में फिर लगी आग। बड़ी मशक्कत के बाद 3 दमकलों ने आग पर पाया काबू। आसपास रहने वाले लोगों के साथ ही चालकों को भी करना पड़ा परेशानी का सामना। टोके देवली में गणेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। महाआरती में जनसेवक मुकेश मीणा हुए शामिल। विधानसभा वासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना। कोटा में महिला सुरक्षाकर्मी से शराब
और शराबी ऑटो चालक ने की अभद्रता, बीच चौराहे पर महिला सुरक्षाकर्मी ने की ऑटो चालक की डंडे से पिटाई। छावनी फ्लाईओवर के नीचे ड्यूटी पर तैनात थी महिला सुरक्षाकर्मी। धौलपुर के बाड़ी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ बप्पा को दी गई अंतिम विदाई, नदी किनारे ले जाकर किया विसर्जन। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में जैन संतों पर हमला, जैन भवन परिषद के बाहर लगी भीड़। हमले में तोड़ी गई गणेश प्रतिमा, जैन संत निराले बाबा की पर भी हुआ हमला। कोटा के इटावा में परिषण पर्व पर जैन समाज ने निकाली शोभा यात्रा। पुराना बाजार स्थित जैन मंदिर में बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत। जैन मंदिर पहुंचने पर की पूजा अर्चना। भीलवाड़ा के जाजपुर में बहरा वफात पर मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस, लोगों का उमड़ा जन सैलाब, एक दूसरे को मोहम्मद साहब के जन्मदिन की दी मुबारकबाद। धौलपुर में सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर सहित 2,70,000 की नकदी पर किया हाथ साफ, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। चोरों में ट्रेन की चपेट में आने से विवाहिता की हुई मौत, पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया शव, शिनाख्त के प्रयास जारी। कपासन में नदी में युवक के डूबने की खबर, अपने दोस्तों के साथ नदी पर नहाने गया था युवक, तलाश जारी। दौसा में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर निकाला गया झंडा जुलूस, बजमे गरीब नवाज कमेटी के ने शेखान मोहल्ला से दरगाह शाजमल तक निकाला झंडा जुलूस, जगह जगह पर जलपान और फल किया गया वितरित। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में मुस्लिम समाज ने ईद मिलादुन्नबी पर दिया आपसी सौहार्द का संदेश, 12 वफात जलसे के दौरान जलसा रोककर दिया शव यात्रा को मार्ग, गुलाबपुरा के बावड़ी चौराहे से निकाली गई थी शव यात्रा। जैसलमेर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व, मुख्य मार्गों से शान और शौकत से निकाला गया जुलूस, जामा मस्जिद पर हुआ जलसे का आयोजन। जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व अजमेर में 12 वफात के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पर्व, 2.5 दिन के झोंपड़े से निकाला गया जुलूस। डीडवाना में धूमधाम के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व, शहर के कई मार्गों से निकाला गया जुलूस ए मोहम्मदी, मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग जुलूस में हुए शामिल। सूरतगढ़ में जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते आमजन परेशान, पिछले 15 दिन से नहीं हुई पेयजल आपूर्ति, ग्रामीणों ने वाटर बॉक्स पर तालाबंदी की दी चेतावनी। जलवाड़ की डग पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 1,03,800 रुपए समेत 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार, पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। जयपुर में JDAPRN साउथ कार्यालय में बवाल, काश्तकारों ने आत्मदाह के लिए छिड़का पेट्रोल, पीड़ित काश्तकार ने JDA के अफसरों पर लगाए कई आरोप। धौलपुर में जलभराव की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी वासी, बारिश के दिनों में लोगों का को निकलना हो जाता है मुश्किल, कलेक्ट्रेट के सामने किया विरोध प्रदर्शन, समझाइश कर मामला कराया शांत। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आयुर्वेद संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी, मांगे नहीं मानने पर काली पट्टी बांधकर किया था विरोध, सुनवाई नहीं होने पर किया कार्य बहिष्कार। भरतपुर के पहाड़ी से मृतक पुलिसकर्मी उदय सिंह के परिजन दे रहे धरना, तैनात पुलिसकर्मियों के परिजनों को थाने के बाहर से खदेड़ा, वहीं जमकर थाने में हुआ हंगामा। जलवाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना आई सामने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुछ अज्ञात बदमाशों ने चाकूबाजी कर किया घायल, मौके से भागकर युवक ने बचाई अपनी जान। सुरे के बड़ लूट में सिरोही के से जालौर जाने वाली सड़क मार्ग पर हादसा, बस और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत में एक की हुई मौत, मौके पर लोगों की लगी भारी भीड़। धौलपुर में ऑटो और दो बाइकों में भीषण भिड़ंत, बाइक सवार 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। पाली सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद हाईवे पर कार से 14 किलो चांदी और 8 लाख रुपए की नकदी की बरामद, कार सवार 2 युवक हिरासत।
अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर विजयनगर में सुने मकान को बनाया था निशाना। आरोपी से पूछताछ करने में जुटी पुलिस। डीके कामा में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला। कार्ड बदलकर खाते से निकाले 20,000 रुपए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में युवक के इंस्टाग्राम आईडी हैक करने का मामला आया सामने। लड़कियों को अश्लील फोटो और वीडियो कॉल करने का मामला। साइबर थाना पुलिस को आईडी हैक कर बदनाम करने की रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के तरपाल गांव में तालाब में कूदा स्कूली छात्र। तालाब में कूदकर अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। परिजनों ने स्कूल प्रधानाध्यापिका पर लगाए छात्र को डराने धमकाने के आरोप। हनुमानगढ़ में कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से की किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग। बारिश आंधी की वजह से खराब हुई किसानों की फसल। अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में मूक पीड़िता के साथ अधेड़ ने किया दुष्कर्म। परिजनों ने थाने में कराया दुष्कर्म का मामला दर्ज। पीड़िता के परिवार को राजीनामे के लिए धमकी दे रहा आरोपी को किया का परिवार। डूंगरपुर में जहरीले जानवर के काटने से महिला की हुई मौत। घर में काम करने के दौरान हुआ हादसा। सदर थाना क्षेत्र के सरकनसाई गांव का मामला। अक्टूबर में चित्तौड़गढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी। जिले के पुलिस और प्रशासन में चर्चाओं के दौर जारी। वहीं पश्चिम रेलवे रतलाम के डीआरएम ने किया दौर। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फोन पर मिली धमकी। गुड़गांव निवासी मंजू का नाम आ रहा है सामने। सांसद के सहायक महेंद्र ने दर्ज करवाया मामला। दादिया पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जल्द होगा ऐलान। आपको बता दें कि इन तारीखों का जल्द होगा ऐलान। चुनाव की तैयारियों में जुटा दौसा जिला प्रशासन। 100% मतदान के लिए कर रहे हैं प्रेरित। शाहपुरा में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में कलेक्ट्रेट पर बैठक। जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। कलेक्टर टीसी बोहरा ने परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण करने के दिए आवश्यक निर्देश। खाजूवाला में लॉरेंस गैंग के नाम से दो कर्मचारियों को धमकी। धमकी देने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। विद्युत विभाग किशनपुरा जीएसएस में कार्यरत दो कर्मचारियों को दी धमकी। दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ उर्मूल डेयरी ने चलाई मुहिम। मिलावटखोरों के खिलाफ उर्मूल डेयरी प्रशासन करेगा कार्रवाई। दूध मिलावट से परेशान है लोग। बाली में मारवाड़ का प्रसिद्ध शक्तिपीठ मुंडारा चामुंडा मेला आज मंदिर परिसर में की गई आकर्षक सजावट। मेले में आने वालों के लिए मंदिर प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था। बाली के बाली में 52 वर्ष बाद समुद्र मंथन। सर्व समाज में उमड़ा आस्था का सैलाब। 8,000 से अधिक लोग हुए शामिल। महिलाओं ने की तालाब की परिक्रमा कर निभाई समुद्र मंथन की रस्म। गणेश विसर्जन पर बप्पा की विदाई। टोंक शहर में 700 पुलिस जवान तैनात। शोभा यात्रा में मौजूद रहे जवान। दिगंबर जैन धर्मावलंबियों ने मनाया अनंत चतुर्दशी का पर्व। दशलक्षण पर महापर्व का हुआ समापन। चाकसू के मंदिर में हुई 24 तीर्थंकरों की पूजा अर्चना। जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का 639वां मेला हुआ संपन्न। पर्यटन विभाग और मेला प्रशासन ने सांस्कृतिक संध्या का किया आयोजन। प्रदेश के कलाकारों ने सांस्कृतिक संध्या में दी प्रस्तुतियां। भलाई में एक शाम वीर तेजा जी के नाम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। सोनू सपेरा के सांप के करतब ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। राजधानी जयपुर में मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। प्रथम कदम फाउंडेशन ने जरूरतमंद मूक बधिर बच्चों के साथ मनाया गणेश चतुर्थी का पर्व। सभी मूक बधिर बच्चों को स्टेशनरी की गई वितरित। ईद मिलादुन्नबी पर्व जोधपुर में मुस्लिम समाज की ओर से निकाला जा रहा है जुलूस। पुलिस सुरक्षा की कड़े सुरक्षा बंदोबस्त में निकाला गया जुलूस। टोंक में ईद मिलादुन्नबी पर हुआ महफिल का आयोजन। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की
योमे पैदाइश पर हुआ कई कार्यक्रम आयोजित, लोगों ने बांटा गया खाना। हुटा में इटावा में मनाया गया ईद मिलादुन नबी पर्व, शहर में धूमधाम से निकाला गया जुलूस, बच्चों को बांटी टॉफियां और मिठाई। कपासन में ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाला भव्य जुलूस, शहर में जुलूस का किया गया स्वागत, जुलूस में शामिल हुए हजारों। सूर्य के अबरोड में धूमधाम से मनाया जा रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर आमद के नगमों के साथ शहर में निकाला गया जुलूस, मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। रीट भर्ती 2018 में एमबीसी वर्ग के 372 पदों पर नियुक्ति की मांग का मामला, प्रशासन के अधिकारियों ने से देर रात तक चली वार्ता, 15 घंटे बाद पानी की टंकी से उतरे अभ्यर्थी। सूर्य में अबू रोड में युवक से परेशान होकर लोगों ने किया हमला, जानलेवा हमले में युवक गंभीर घायल, 3-4 दिन से युवक मचा रहा था उत्पात। शिक्षक महापंचायत में शामिल होने के लिए अलवर से रवाना हुए शिक्षक, जयपुर के राजा पार्क में शिक्षक महापंचायत का आयोजन, शामिल होने प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हजारों शिक्षक। पाली में नगर परिषद की लापरवाही आई सामने, खुले नाले में गिरने से बच्चे की मौत, कलेक्ट्रेट के बाहर खुले नाले में गिरा 14 महीने का मासूम। गढ़वाड़ के खानपुर में अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के दर्ज है मामले।